लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। और इस वक्त देश का मिजाज पूरी तरह तरीके से चुनावी हो चुका है। चुनाव चल रहे हैं और सवाल यह है कि आखिर जीतेगा कौन, 4 जून को किसकी जीत होगी, इसी पर सबकी नजर है। आप कहेंगे कि इसे कोई भविष्यवक्ता ही जरूर बता सकता है, तो चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम के किनारे, जहां दावा किया जाता है कि नतीजों से पहले वहां के केवट ये बता देते हैं कि बाजी कौन मारने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम घाट पर और मैं सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। देखिए इस घाट पर सारे नाव जो हैं इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और काफी ज्यादा नाविक जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। इन सभी नाविक से हम बातचीत करेंगे और मूड जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का कि क्या कह रहे हैं नाविक। दरअसल 2004-2009 में जो इन नाविकों ने प्रिडिक्ट किया था कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार आ रही है, फिर 2014 में इन्होंने ही प्रिडिक्ट किया था कि बीजेपी की सरकार वो भी प्रचंड बहुमत से आ रही है, 2019 में भी इन्होंने किया था कि मोदी सरकार बन रही है, इस बार क्या कह रहे हैं ये नाविक, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मुन्नी लाल। मुन्नी जी आपका नाव कौन सा है? ये है बगल में, ये बगल में आपका नाव खड़ा है। अब यात्री सबसे ज्यादा आपके यहाँ आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं और लगातार आप लोग ले जाके संगम नहलाते हैं। हमारे पीछे वहाँ संगम हम देख पा रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है वहाँ पे। क्या कहते हैं नाविक, क्या है मूड उनका? जाते हैं जतिक ले जाते, संगम नहाते हैं, प्रेम से ले आके उतरते हैं माई बाबू कह के। हाँ। तब जाता है मुसाफिर। हाँ, वहाँ नहाते हैं ले जाते हैं। मूड क्या बोल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, किसकी हवा है? मोदी के। यात्री क्या कहते हैं? मोदी कहते हैं, मोदी देना है, मोदी को देना। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम राजकुमार निषाद है सर। राजकुमार जी ये बताइए कि आप कितने यात्रियों को रोजाना अपने नाव पर लेके जाते हैं संगम नहाने? एक दो टिप लगाते हैं, यात्री भी आते हैं, सुविधा देख के ये भी कहते हैं सरकार अच्छी है बीजेपी, और हम लोग भी लाभ पा रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लाइफ जैकेट वगैरह सब सुविधा जो नियम बन गया है 2019 से, अच्छे तरीके से ले जाओ नहलाओ आराम से, इन्हीं सरकार में ऐसा सुविधा मिला है और कोई हम नहीं देखे हम लोग भैया। थैंक यू। यानी आप कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार? हाँ भैया, लाभ भी मिल रहा है, सुविधा भी है हर चीज़ के, यहाँ की साफ सफाई हो रही है, जल का मशीन चलती है, जल में घाट रोड पे सब ड्यूटी लगी रहती है साफ सफाई का। यात्री क्या कहते हैं आपसे, सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा राधेश्याम निषाद है सर। राधेश्याम जी यात्री क्या कहते हैं जब आते हैं नहाने के समय? जब आते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि भैया हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसलिए बीजेपी सरकार की सत्ता हमेशा बनी है। कौन सा चुनाव है, इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आने वाले जो है इसमें मोदी जी कहाँ, मतलब आपका सर्वे बताता है कि हाँ, मोदी जी है। यात्री भी यहाँ आते कहते हैं कि मोदी जी को जाएंगे, मोदी जी कहते किसको बोले, हम भी वही बोलेंगे जो जनता कह रही है। और भी हमारे साथ यहाँ पर नाविक हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप रोजाना कितने ट्रिप करते हैं, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी सर, सबसे पहले आपको और आपके चैनल वाले को बहुत बहुत बधाई, जो हमारे समाज, छोटे समाज और जो युवा के जो सभी दल से बात कर रहे हैं कि आपका चैनल जो है छोटे समाज के आवाज़ बुलंद करे। यात्री क्या कहते हैं आपसे जब यात्री यहाँ आते हैं? तो यात्री आते हैं तो पहले तो सबसे पहले मोदी योगी का नाम लेते हैं, क्योंकि इससे पहले 2018 से जब से हम नाव चला रहे हैं मोदी योगी का नाम ही चल रहा है, और यहाँ पे साफ सफाई देखे तो एकदम साफ सफाई भी रहता है, और इधर में जब मेला लगता है तो बहुत सी सारे सुविधाएं भी उपलब्ध रहते हैं। उस 10-20 यात्री में से कितने यात्री मोदी के समर्थक है, कितने यात्री राहुल गांधी के समर्थक हैं, यानी विपक्ष के समर्थक हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के? सबसे पहले तो योगी मोदी के ज्यादा समर्थक मिलते हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा योगी मोदी के समर्थक मिलते हैं, और बाकी वैसे आम पार्टी के तो कम मिलते हैं।
कमलेश जी, ये बताइए मूड क्या कह रहा है इस बार यात्रियों का 2024 लोकसभा चुनाव में? चुनाव में मोदी जी आएंगे हो क्या? जितने यात्री आते हैं सब यही कहते हैं? सब यही कहते हैं मोदी जीतेगा, योगी मोदी आएंगे, कोई नहीं आएगा इसके अलावा। आप कहाँ से आए हैं? जी हम आए संभल जिले से। संभल जिले से, संभल जिले का मूड क्या कहता है? ये बीजेपी का ही है मूड सब का, क्योंकि बीजेपी ने काम करे हैं, मकान दिए गरीबों को, सिलेंडर दिए हैं और बहुत योजनाएं सड़कें बनाई हैं, सब विषयों पर काम किया है मोदी जी ने। आप बताइए आप कहाँ से आए? संभल से हैं। संभल से जी हाँ। क्या कहते हैं संभल योगी जी ने और मोदी जी ने? और इस बार भी जो है मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, संभल की आएगी, मोदी जी और योगी जी दोनों ही आएंगे हमारे संभल से भी। आप लोग इंदौर से हैं? हम लोग इंदौर से हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्रेयांग पांडे है। और आपका नाम? मेरा नाम विशाल राजभर है। ये बताइए पांडे जी, हाँ, क्या है 2024 का मूड? 2024 में मोदी सरकार आएगी, क्योंकि हमारे इधर भी अभी एमपी में मोदी चल रहे हैं। आप जी? कंफर्म है बिल्कुल मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो लगता था कांग्रेस इस बार, कांग्रेस का तो बंटा धार कर दिया मोदी जी ने। और हमारे दूसरी तरफ माता जी हैं, माता जी अभी स्नान करके बाहर निकली हैं, आपने संगम में स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पर मिलन हो रहा है, लेकिन इस बार का चुनावी मूड हम आपसे जानना चाहते हैं। चुनावी मूड तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे और आएंगे और हमेशा ही आते रहेंगे वो। क्या क्या कहते हैं आप लोग? मोदी जी के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ओनली मोदी, मोदी और मोदी 400 पार, हमारा वोट मोदी जी के लिए। बीच गंगा में आप लोग नहा रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती का जाम मिला, सिर्फ मोदी, ओनली मोदी, साफ है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सरकार बनाना चाहते हैं। बीच संगम का नजारा हम दिखाएं तो जो श्रद्धालु यहाँ पर नहाने आते हैं उनकी पूजन की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पंडित जी यहाँ पर हैं, पूजन का पूरा सामग्री यहाँ पर रखा हुआ है, नारियल है, हल्दी है, चंदन है। पंडित जी कितने श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं? बहुत ज्यादा, जनसंख्या यहाँ का कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ अनलिमिटेड पब्लिक आती है, यहाँ पे कोई काउंटिंग से पब्लिक नहीं आती है। क्या कहता है इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव, क्या कहता है, किसके तरफ हवा है, रुख है 2024? देखिए हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी तो आना है, उनका फिक्स ही है। बाकी मुख्यमंत्री जी है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उनका भी आना फिक्स ही है। यात्री जो आते हैं तो उनसे कुछ बातचीत होती है इस बार? बातें चीतें होती है, जहाँ के यात्री आते हैं पूछते हैं आपके मुख्यमंत्री कैसा है, आपके प्रधानमंत्री कैसा है। हमारे मुख्यमंत्री भी अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं। तो जिनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं उन सबका यही कहना है कि जितने भी यात्री संगम में नहाने के लिए आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, अभी जैसा कि हमने बात किया पश्चिम बंगाल के लोगों से बातचीत किया और देश के कोने कोने से, इन सबका एक ही कहना है कि इस बार का जो मूड है वो प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का मूड है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीच गंगा में, संगम में, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो रहा है और सूरज एकदम टॉप पर है, लेकिन 4 जून की सुबह मालूम चलेगा कि किसका सूरज टॉप पे है और किसका सूरज नीचे जा रहा है, यानी कौन सरकार पर काबिज होगा और कौन सरकार नहीं बना पाएगा।